हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं वॉल पुट्टी से लिपन आर्ट। जी हाँ, लिपन आर्ट को वॉल पुट्टी से भी बनाया जा सकता है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। लिपन आर्ट बनाने के लिए वॉल पुट्टी कोन कैसे बनाई जाए और वॉल पुट्टी से काम करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हम उस हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये प्लेट जो आप देख रहे हैं, ये एक डिनर सेट की प्लेट है। इसके ऊपर कलरफुल फ्लावर्स वगैरह बने हुए थे, लेकिन अभी वो आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो अप्लाई किया है वो है होममेड जैसो। होममेड जैसो सच में काम करता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप जानना चाहते हैं कि होममेड जैसो कैसे बनाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक वीडियो में बनाकर ज़रूर बताऊंगी। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है वॉल पुट्टी डो। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको वॉल पुट्टी को लेना होगा और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको मिलाना होगा, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह। और इसको तब तक मिलाते रहना होगा, जब तक गूंथते रहना होगा, जब तक कि इसमें सारे क्रैक्स आना बंद ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है बनाने के लिए। अब हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे टुकड़े लेंगे इसके छोटे छोटे, और इस तरह से गोल गोल ये ऐसे बिंदियाँ और पत्तियाँ, जो भी आपको डिज़ाइन बनानी हो आप वो सब बनाकर तैयार करके पहले ही रख लीजिए, क्योंकि इन्हें सूखने में टाइम लगता है। अब बारी आती है लिपन आर्ट के लिए वॉल पुट्टी कोन बनाने की। कोन बनाना बहुत आसान है। आपको वॉल पुट्टी पाउडर में फेविकॉल मिला के इस तरह का घोल बना लेना है, और याद रखना है कि सिर्फ फेविकॉल मिलाना है, पानी बिल्कुल भी मत मिलाइएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, इस पॉलीथीन की मदद से मैं यहाँ एक कोन बनाने वाली हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप भी बना सकते हैं और उसको टेप लगा के अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। वॉल पुट्टी से काम करते समय लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं लिपन आर्ट बनाने में, लेकिन मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी कोन बनके तैयार हो गई है, और ये आप देखिए, ये कितनी स्मूथ चल रही है। कोन की मदद से आप लिपन आर्ट को बहुत आसानी से बना सकते हैं, और पर्सनली मुझे तो कोन से काम करना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से चल रही है, कोई भी ब्रेक्स आपको इसमें नहीं दिखाई देंगे। जो ब्रेक्स नहीं है उसके दो तीन रीज़न हैं, जैसे कि आपको आराम से इसको चलाना है, सिर्फ फेविकॉल में ही आपको वॉल पुट्टी को घोलना है, पानी का यूज़ नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आउटलाइन पूरे में कंप्लीट कर ली है, और अब बारी आती है जो हमने आर्ट पीस बनाए थे, जो बिंदियाँ और जो लीप्स बनाई हैं, अब हम इनको इसके ऊपर चिपकाएंगे। और अब देखिएगा, अब होने वाला है जादू, और जादू की मदद से ये सब चिपक जाएंगे। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन इधर उधर हो जाए तो आप उसको कोन की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। अब हम इसको वाइट एक्रिलिक कलर से पेंट कर लेंगे पूरा। वाइट कलर करने से क्या होता है कि आप इसके बाद जो कलर यूज़ करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खिल के, बहुत ही निखर के आएगा। लिपन आर्ट को आप एक ही कलर का बनाएं वो तब भी खूबसूरत लगता है, और उसे कलरफुल बनाया जाए तब भी खूबसूरत लगता है। मैं यहाँ इसमें दो कलर यूज़ करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है, प्रकृति ने हमें बहुत ही खूबसूरत कलर दिए हैं, उन्हीं में से मैंने ये एक कलर निकाल के यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। जो भी आपको पसंद हो आप उन कलर्स को चूज़ करिए और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए। जब भी हम खुद से चीज़ें क्रिएट करते हैं ना, तो उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये बजट फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें हमें घर में मिल जाती हैं,
दूसरा ये आपकी कला को निखारते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। इनसे जब आप होम डेकोर करते हैं तो आपका घर तो सुंदर लगता ही है, लेकिन आपकी इसके साथ साथ पर्सनैलिटी भी निखर के आती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। जो भी इनको देखेगा वो आपकी वाह वाही ज़रूर करेगा। और ये देखिए, बातें करते करते हमारा जो आर्ट वर्क है वो पूरा हो चुका है, और अब बारी आती है मिरर लगाने की। अब मैं यहाँ मिरर लगा रही हूँ, थोड़ा ना लाइट फ्लक्चुएट करेगी क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर लाइट नहीं है, जो लाइट है उसी से काम चला रही हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा। अब बारी आती है टिप्स की। जब भी आप वॉल पुट्टी कोन बनाएं या डो बनाएं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस वॉल पुट्टी पाउडर को ठीक से छान लें, क्योंकि यदि आप नहीं छानेंगे तो उसमें कुछ दाने होते हैं जो कोन को ठीक से नहीं चलने देते हैं, और फिर आपको लिपन आर्ट बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। दूसरा, जो भी आप पैटर्न बनाना चाहते हैं उस पैटर्न को पहले ही सोचकर अपने प्रोजेक्ट पर ड्रॉ कर लें, जिससे कि आपको बीच में कोई दिक्कत ना आए। तीसरा, जब भी आप बेस कलर करते हैं तो उसके सूखने का इंतज़ार करें, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई दूसरा कलर करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहीं डार्क कहीं लाइट इस तरह का दिखेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, कि जब भी आप वॉल पुट्टी से कोन बनाएं तो उसका जो पाउडर होता है उसको फेविकॉल में ही घोलें, जिससे कि आपके लिपन आर्ट में क्रैक्स ना आए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं और फिर वो बहुत ही ख़राब लगता है। और सबसे ज़रूरी टिप ये है कि जब भी आप वॉल पुट्टी से काम करते हैं तो आपके हाथ बहुत ही ड्राई हो जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें, उसके बाद ही वॉल पुट्टी से काम करें। और अब आप ये डे लाइट में देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और मिरर लगने के बाद जो इसका लुक आता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत आता है। बहुत सुंदर लगा मुझे तो ये बनाने के बाद। अगर आपको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।